ध्यान दो, कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इंटू लिमिटेड कंपनी। जस्ट इसके पहले आपने जो चैप्टर को देखा था उसमें आपने देखा था कि एक पार्टनरशिप या एक फर्म को कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में आपने देखा था, जब एक पार्टनरशिप या एक फर्म लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे। नो डाउट आपका एक बिजनेस है, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था, फिर पार्टनरशिप था, फिर आपका बिजनेस ग्रो कर गया, ग्रो करने से टर्नओवर ज्यादा हो गया, टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा ना सिर्फ वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में रहेगा, वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना। तो यहीं पर यही बात है कि जब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगा तो हुआ क्या, बिजनेस तो वही रह गया बट पेपर में, सिर्फ और सिर्फ पेपर में क्या हुआ, जो पार्टनरशिप फर्म था वो क्लोज हो गया। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप नहीं किए थे, किए थे ना, वही चीज फॉलो होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। एंड जो क्लोज होगा उसके उसको लेके एक नया कंपनी बन रहा है तो कंपनी का बैलेंस शीट बोलेगा बनाने के लिए। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, उसी को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लो कि कन्वर्सन क्या है। व्हेन ए फर्म, कोई भी फर्म अगर वो सोच रहा है कन्वर्ट होने के लिए अपने बिजनेस को एक कंपनी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। फॉर्म बाय एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ ए फर्म द कन्वर्सन ऑफ फर्म टू कंपनी फॉलो। तब क्या होगा कि अगर हम लोग सोच रहे हैं अपने फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा, वही प्री और पोस्ट वाला बात, एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा और वो कंपनी क्या करेगा, एक्वायर करेगा जो रनिंग बिजनेस है, जो रनिंग बिजनेस है उसको एक्वायर करेगा। तब क्या होगा, इस केस में फर्म का लिक्विडेशन होगा, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका लिक्विडेशन हो जाएगा और एक कंपनी बन जाएगा। तो क्या क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप्स कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, किसका, नेट असेट्स टेकन ओवर। नेट असेट्स टेकन ओवर कैसे होता है वो सारे बातों का ध्यान रखेंगे, फिक्स असेट्स के साथ करंट असेट्स को जोड़ेंगे, उसमें से हम लोग लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा नेट असेट्स टेकन ओवर हो जाएगा। सेकंड, परचेज कंसीडरेशन, जो एक नया फर्म बन रहा है वो आपको कितने में परचेज कर रहा है, समटाइम्स गिवन होता है और समटाइम्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो कोई बड़ा बात नहीं, बता देगा कि एबीसी लिमिटेड, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एबीसी लिमिटेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एबीसी जो फर्म है उसको हम लोग कितना रुपया दे रहे हैं, मतलब कितना शेयर दे रहे हैं, कितना और रुपया दे रहे हैं, सब कुछ बता देगा, बस उसको सिर्फ प्लस कर देना है, परचेज कंसीडरेशन निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये कैसे होगा सो देखिए, मान लीजिए फर्म का वैल्यूएशन हुआ 1 लाख, तो हमको तो 1 ही लाख देना है ना, अगर हम 1 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, ये वैल्यूएशन हुआ नेट असेट्स टेकन ओवर, बट आप ये परचेज कंसीडरेशन पे कर रहे हो तो माइनस में ना आ गया, देना है 1 लाख, 1,10,000 दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए, तो अगर एक्सेस अगर पेड कर रहे हैं, इफ एक्सेस पेड देन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गुडविल, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गुडविल, हम उतना नहीं लिख रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे। और अगर मान लीजिए 1 लाख उसका नेट असेट्स टेकन ओवर हो रहा है और आप मान लो 90,000 ही दे रहे हैं, यहां तो आप कितना दे रहे थे, 1,10,000, अभी मान लो कि 1 लाख है और सिर्फ 90 दे रहे हैं तो 10,000 प्लस में आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। अरे ज्यादा दीजिएगा तो गुडविल, कम दीजिएगा तो कैपिटल रिजर्व। ओके, यहां तक कोई दिक्कत,